नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 30 जुलाई 2020 है। 30 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16.5 लाख हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कुल संक्रमित 1,32,000 मिले हैं। संक्रमण के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर जरूर है, मगर वहाँ मात्र 10,887 एक्टिव केस हैं। मुंबई से कोरोना के मामले से अच्छी खबर आ रही है। वहाँ संक्रमितों में से स्वस्थ होने वालों का रेट 73% हो गई है। आपको पता है कि मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण के मामले में देश भर में सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान मात्र 55 लोगों की ही मौत हुई है। शहर में डबलिंग रेट भी बढ़कर 68 दिन हो गया है। मुंबई में कोरोना की इस तरह की हार सुकूनदायी है। हालात में सुधार पर लोग चिंता मुक्त हुए हैं। अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 46,000 के आसपास हो गई। वहीं राहत की बात है कि अब तक 30,000 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। बिहार में स्वस्थ होने वालों का दर 66.43% है। पटना एम्स में आज यानी गुरुवार से कोरोना वैक्सीन की दूसरे डोज की शुरुआत की जा रही है। अब तक 39 लोगों पर वैक्सीन का पहला डोज ट्रायल हो चुका है। इधर बाढ़ राहत शिविरों में भी कोरोना टेस्ट का निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में बाढ़ ग्रस्त जिले के जिलाधिकारियों को बोल रहे थे। उन्होंने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा भी किया। बिहार में कोरोना के साथ बाढ़ का कहर भी जारी है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, काली कोसी, महानंदा समेत कई नदियों में उफान आ गया है। इस बीच बिहार के विभिन्न जिलों से 11 लोगों के डूबने से मौत की खबर भी है। बाढ़ से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण आदि जिलों की बड़ी आबादी तबाह है। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सरकारी राहत दिया जा रहा है। उनके खातों में भी राशि भेजे जा रहे हैं। पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। किशनगंज के मेची नदी में गलगलिया के पास कटान तेज हो गई है। उससे आसपास बसे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। महानंदा के कड़े तेवर से किशनगंज और कटिहार में लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। बाढ़ का खतरा अभी और भी तेज हो सकता है। ऐसी संभावना इसलिए बलवती लग रही है कि मौसम विभाग ने बिहार में 1 अगस्त तक वर्षा के पूर्वानुमान बताए हैं। अब चलते हैं अन्य खबरों की ओर। गोपालगंज जिले के बड़ी पट्टी में हथियार बंद अपराधियों ने त्रिलोकी सह नामक एक किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरा गांव स्तब्ध है। पुलिस छापेमारी कर रही है। पूर्णिया जिले के गुलाबबाग हासदा रोड में एक ट्रैक्टर ट्रेलर के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दुर्गाराम, समीर और अनवारुल आलम हैं। ट्रैक्टर में PDS का अनाज लदा था, जिसे गोदाम से पूर्णिया सिटी डीलर के यहाँ भेजा जा रहा था। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में कबड्डी खिलाड़ी अंकित कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह जरसैन निवासी दिनेश यादव का पुत्र था। भागलपुर को उत्तर बिहार के जिलों से जोड़ने वाली विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल बनाया जाएगा। विभाग ने गंगा नदी पर बनने वाला 4-लेन पुल के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर डालने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। राजस्व विभाग अब ऑनलाइन दाखिल खारिज को खास तवज्जो दे रहा है। बिहार के 534 अंचलों में दाखिल खारिज की कार्रवाई चल रही है। इसके लिए 6,308 कर्मियों का चयन भी कर लिया गया है। इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बिहार के पूर्णिया जिले के मशहूर सीने अभिनेता सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख अब तक की हुई जांच से अवगत हुए। इस केस को लेकर अधिकारियों ने जांच की पूरी बातों से मंत्री को अवगत कराया, साथ ही साफ कर दिया कि यह केस CBI को नहीं दी जाएगी। पुलिस मामले की जांच के लिए सक्षम है। इधर गोपालगंज में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव एक हादसे में बाल बाल बचे। जिले के बरौली बाजार में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जिस ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द बांट रहे थे, वो बाढ़ के पानी में अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इसमें पप्पू यादव को किसी तरह की चोट नहीं आई है। बिहार में लॉकडाउन की अवधि का विस्तार नहीं किया गया है। विभिन्न मीडिया चैनल में चलाई गई खबरों का सरकार ने खंडन किया है।
आईपीआरटी की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। आईपीआरटी ने ट्वीट कर कहा है कि विभाग की ओर से इस प्रकार की कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। वायरल हो रही खबर महज अफवाह है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ बाढ़, दूसरी ओर बीमारी, इस बीच कहीं नहीं दिख रहे बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार में कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए सरकार लगातार स्टेप ले रही है। इस सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में 900 डॉक्टरों की नियुक्ति बुधवार को कर दी। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।